SBN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि गुजरात का चुनाव बेहद नजदीक है और इस चुनावी माहौल के बीच में अलग अलग समीकरण जो है वो लगातार बनते जा रहे हैं, कभी कभी बिगड़ते जा रहे हैं। ये पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। सी वोटर्स का रिजल्ट हमारे सामने निकल करके आया। जब हमने उस रिजल्ट की ओर देखा तो हमें पता चला कि भाजपा जो है वो पहले पायदान पर और दूसरे पायदान पर कांग्रेस और आखिरी पायदान पर जो है वो आम आदमी पार्टी नजर आई। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी एक सर्वे रिपोर्ट लेकर के आती है, फिर उस सर्वे रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो पहले नंबर पर जो है वो आम आदमी पार्टी नजर आती है। अब तो देखिए यहाँ पर एक और रिपोर्ट सामने निकल करके आया। उस एग्जिट पोल को देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर भाजपा, फिर आम आदमी पार्टी और उसके बाद जो है कांग्रेस। तो ये जो समीकरण है वो तीनों ही तरफ से अलग अलग खेले के तहत जो है सभी के सामने निकल कर के आ रहे हैं। लेकिन सी वोटर्स की तरफ से आया क्या ये रिजल्ट सच में आखिरी रिजल्ट के रूप में यहाँ दिखाई देगा गुजरात के चुनाव में, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के हम खास रिपोर्ट में खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए उस खास मुद्दे की चर्चा शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है ऋतिक। ऋतिक आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम। देखिए यहाँ पर चुनावी माहौल का बिगुल जो है वो अभी तक बजा नहीं है, अभी तक जो है डेट के अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है चारों तरफ माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया है कि हर कोई हर किसी को लेकर के एक नया सी वोटर का रिजल्ट ही निकाल देता है। अब इन वोट प्रतिशत को देख करके सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या लगता है किसका वोट प्रतिशत दिखाने का तरीका जो है वो सबसे ज्यादा सच्चा है? क्योंकि देखिए सच्चा तो कोई नहीं है, हर किसी में थोड़ा ना थोड़ा मिलावट जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा सच्चे की रेस में कौन है, आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस? देखिए मैम, आप पहले आप ये जान लीजिए और हमारे दर्शक भी ये जान लिए कि हम लोग जब भी कभी वोटर्स की बात करते हैं, ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर बार जो कहा जाए, जो मीडिया में सुर्खियां चला दी जाए, जो सनसनीखेज बना दी जाए वो सही होता है। आप ये देख लीजिए कि कई बार हमारे ओपिनियन पोल भी गंदे साबित हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। कह दिया जाता है कि जो हमारे ओपिनियन पोल आए हैं वो ठीक नहीं है। कई बार बीजेपी पार्टी को जिता दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत जाती है। कई बार दिखा दिया जाता है कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और पता चलता है कि बीजेपी पार्टी जीत जाती है। तो अगर हम लोग गुजरात की इस समय बात कर रहे हैं तो गुजरात में जो है वो अगर मजबूत विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये जो आपने बताया सी वोटर्स वाली बात, इसमें आपने कहा कि बीजेपी फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर कांग्रेस और थर्ड नंबर पर आम आदमी पार्टी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी वो कब से गुजरात में प्रचार कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, रैलियां कर रही है और उन पर रेड डलवा दी जाती है, छापेमारी करवा दी जाती है, उसके बाद भी और वो मजबूती के साथ वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो वहां पर अभी खड़ा नजर आया है? कोई भी नहीं। हो सकता है कुछ नेता वहां पर अभी पहुंचे हों, जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा उसके पहले एक भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा, सारे के सारे लोग कांग्रेस पर अध्यक्ष पद के चुनाव में लगे रहे। लेकिन आप ये देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं उससे क्या गुजरात में फर्क पड़ेगा, उससे क्या हिमाचल प्रदेश में फर्क पड़ेगा, उससे क्या राजस्थान में फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो आया है सी वोटर्स का जो ऐलान किया गया है, इसके तहत मैं यही कहूंगा कि आम आदमी जो पार्टी है वो मजबूती के साथ गुजरात में खड़ी हुई नजर आ रही है। लगभग जो बात करी जा रही है, पहले तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 73-74 सीटें मिल सकती है, 70 से पार वहां जा सकती है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के तौर पर मजबूत खड़ी नजर आ रही है, वो भी सीटों को वहां ले रही है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी वहां पर जीत जाए। बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी वहां मजबूती के साथ नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी हो सकती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी हो सकती है मैम। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि आखिरकार समीकरण किस हिसाब से जो है दिखाई दे रहा है। भले सी वोटर्स का रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर के आ रहा है, लेकिन उस पर भरोसा किया जाए ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी आपने बोला कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से जो है वो ज्यादा नेता जो है वहां पहुंच नहीं रहे, किसी भी बड़े चेहरे की एंट्री नहीं हो रही है। अगर इन बड़े चेहरों की एंट्री के बीच में अगर कन्हैया की एंट्री वहां पर हो जाए, बिहार से निकल करके वो सीधे यहाँ गुजरात की सियासत में पहुंच जाए, क्योंकि देखिए बिहार में तो कोई बड़ी कमान उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, अगर गुजरात में उनको कोई बड़ी कमान मिलती है तो क्या लगता है? बिल्कुल मैम, आपने अच्छा नाम लिया है और एक युवा नेता है कन्हैया कुमार, लेकिन कन्हैया कुमार अपने बयानबाजी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कांग्रेस पार्टी डरती है कि कहीं ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना बोल जाए कि बनी हुई जनता हमसे दूर चली जाए। आपने देखा होगा कि संबित पात्रा के साथ कई बार कन्हैया कुमार डिबेट
डिबेट करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उस डिबेट में वो पक्ष भूल जाते हैं, उस डिबेट में वो ये भूल जाते हैं कि हमें क्या कहना है, हमें मुद्दे पर रहना है, और उनकी जो तू चपाट वाली बात होती है वो आगे दिख जाती है कि नहीं ये सिर्फ भड़काऊ नेता है, नहीं ये तेज चपाट नेता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर है कि अगर हम कन्हैया कुमार को वहां उतार देते हैं तो कहीं ये जल्दबाजी ना कर जाए, कहीं ये बनी हुई तस्वीर को खराब ना कर दे। हालांकि वो एक युवा नेता है, लेकिन युवा नेता की छवि जो कांग्रेस बात करती है कि हमारी पार्टी में युवा नेता की जरूरत है, हम युवाओं को सामने लाते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि अध्यक्ष पद के चुनाव में क्या हुआ था। एक थरूर जी थे जो युवा दिखे थे, लेकिन आपको 80 साल में अब युवा नजर आता है। आप ये देखिए, आप परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते थे, क्या परिवारवाद की राजनीति आप खत्म कर पाए? आप परिवारवाद की राजनीति का जो दाग आप पर लगा था आप उसको खत्म नहीं कर पाए, आप बल्कि आपने ये साबित कर दिया कि हमारे यहाँ जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उस अध्यक्ष में हम कठपुतली का रूप धारण करवा देंगे, हम रिमोट कंट्रोल बना देंगे, क्योंकि राहुल गांधी के पास रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि सोनिया गांधी के पास रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि प्रियंका गांधी के पास रिमोट कंट्रोल है। तो अब जो रिमोट कंट्रोल है वो अध्यक्ष पद के पास नहीं है, वो सिर्फ इन तीनों नेताओं के, बड़े नेताओं के पास है। तो अब इन तीन नेताओं को ये चुनना होगा, इन तीन नेताओं को ये फैसला लेना होगा कि कन्हैया कुमार का चेहरा क्या गुजरात में ठीक साबित हो सकता है, क्या बड़ा चेहरा साबित हो सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार का काम है सिर्फ बीजेपी की बुराइयां करना, बीजेपी को नीचे दिखाना। कन्हैया कुमार मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर सकते हैं? कन्हैया कुमार कहते हैं बेरोजगारी, कन्हैया कुमार कहते हैं महंगाई, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी आप गुजरात में देखिएगा ना, गुजरात में आप बात कीजिएगा ना, अगर आप गुजरात में ये बात नहीं करते हैं तो आप कन्हैया कुमार को उतार के क्या फायदा है? आप गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई शांत नहीं करवा पा रहे हैं उनको, वो अभी आज भी उनकी बयानबाजी चल रही है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी में एकता नहीं है, एक 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 नेता दूसरे नेता पर बयान दे देता है, कहता है कि ये जो फर्जीवाड़ी हुई चुनाव में, तो आप पार्टी को ठीक कीजिए, उसके बाद आप पूरा एक चुनौती आपके लिए, आप इस चुनौती में शामिल होकर आप पहले ये तय कीजिए कि हमारे लिए गुजरात में कौन से स्टार प्रचारक जरूरी हैं, हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में कौन से स्टार प्रचारक जरूरी हैं, हमारे लिए राजस्थान में कौन से स्टार प्रचारक जरूरी हैं। आप तय कीजिए कि कौन से नेता गुजरात में काम आएंगे, कौन से नेता राजस्थान में काम आएंगे, और कौन से नेता हिमाचल प्रदेश में काम आएंगे, क्योंकि आपकी जो छवि है वो बहुत नीचे नजर आ रही है, आप बहुत ठंडे नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल यहाँ पर रहते कि आपको क्या लगता है, देखिए अभी पार्टी आलाकमान तय कर लेगी कि उन्हें कन्हैया कुमार को जो है वो कहीं पर उतारना है या नहीं उतारना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कन्हैया कुमार जो है वो अगर गुजरात में उतरते हैं तो क्या भाजपा और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा? बिल्कुल झटका लग सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो तरीका है प्रचार प्रसार करने का, जो तरीका है जनसंपर्क बनाने का, तो मुझे नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार सिर्फ एक ऐसा चेहरा हो सकते जो आम आदमी पार्टी को नीचा दिखा दे, आम आदमी पार्टी की रैंकिंग जो वहां पर चल रही है उसको कमजोर कर दे, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद के बड़े मुख्यमंत्री चेहरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 15-17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार वहां पर रैलियां कर रहे हैं और बड़ा बयान कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल को वहां दिखा रहे हैं, और जो बीजेपी पार्टी है वो अपने गुजरात मॉडल को दिखा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है मैम, असदुद्दीन ओवैसी है वो अपने हैदराबाद मॉडल को दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि कन्हैया कुमार क्या दिखाएंगे वहां जाकर, क्योंकि कन्हैया कुमार को कुछ ऐसा रहा ही नहीं है। अगर कन्हैया कुमार वहां उतर जाते हैं गुजरात में तो एक अच्छा मौका मिल सकता है पार्टी को कि उनकी दावेदारी बढ़ सकती है, वो जो आदिवासी वोट है उसको वो जुटा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को इससे बड़ा झटका लगेगा। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए यहाँ पर कन्हैया कुमार की एंट्री के बाद भाजपा और केजरीवाल के दिलों में दहशत जो है वो जरूर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर कन्हैया कुमार की एंट्री होगी या नहीं होगी इसका फैसला अभी भी आला कमान के हाथों में। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 News।